मेरी बेटी काफ़ी परेशान थी कि सारे बच्चे पास हो गए, कुछ लगभग 3 बच्चे जो है वो रह गए थे, और मेरी बेटी काफ़ी रो रही थी। जब उसने फ़ोन पे मुझे बताया कि पापा मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं थी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम भी लिया था, पता नहीं कैसे हो गए पापा, मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ी टेंशन में हूँ। हमने अपनी बेटी को समझाया कि बेटा परेशान मत हो, हो जाता है कई बार, हम पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार जब ये एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप क्लियर कर देगा। लेकिन वो कम से कम 2-3 हफ्ते तक बार बार फ़ोन पे रोती थी, बड़ा परेशान रहती थी, टेंशन रहती थी। तो उसके बाद वो घर आई, उसने बोला कि पापा मैं जो है उसको रीचेक कराना चाहती हूँ एग्ज़ाम को, मुझे क्योंकि लगता है कि मैंने अच्छा एग्ज़ाम दिया है। फिर भी हमने बेटी को समझाया, नहीं बेटा रह लो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे अच्छे से तैयारी करना दोबारा से। तो काफ़ी कहने के बाद उसने फिर दोबारा से हमें इन्फोर्स किया कि पापा नहीं मैं रीचेक कराना चाहती हूँ। तो हमने पूछा उससे क्या प्रोसीजर, उसने कहा कि कुछ पैसा उसको देना पड़ेगा। हमने कहा बेटा खामा खामे खर्चा कर रही है, फिर उसका कोई फ़ायदा ना, नहीं तो और भी नुकसान होगा। उसने कहा भाई पापा कोई बात नहीं, आप मेरी पॉकेट मनी भले ही कम कर देना, लेकिन मुझे ये करने दीजिए। तो उसने फिर वो जमा कराए पैसे और रीचेक के लिए रिक्वेस्ट भी किया कॉलेज में, उसको भी काफ़ी दिन हो गया, बार बार वो नेट पे चेक करती थी, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, सेम जैसा था वैसे दिखा रहा था। तो अभी लास्ट संडे को हम पाचा जी के पास आए, हमने कहा कि ऐसी सी बात है, वो काफ़ी दिनों से परेशान है और गुड़िया जो है वो मेरी बेटी रोने लगी। तो पाचा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा टेंशन मत लो, चिंता मत करो, प्रभु पर अपना भरोसा डालो, सब ठीक होगा। और पाचा जी ने उस टाइम पर प्रे करी। उसके बाद हम घर गए, घर जाके मेरी बेटी ने जो है नेट में चेक किया मोबाइल में। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जो उसका स्टेटस दिखा रहा था कि वो बैक है उसमें या फेल है, एकदम से वो गायब हो गया। पापा ये क्या हुआ, लेकिन वो कल तक तो दिखा रहा था कि इसमें बैक आ रही है, आज वो कुछ भी दिखा नहीं रहा है। मैंने कहा बेटा आपका काम हो गया, पास्टर जी ने प्रेयर करी, काम हो गया। मुझे यमुना 4 उसका 52-53 में लिखा है ऐसा कुछ कि एक बार कोई पढ़ देगा प्लीज। उसने उनसे पूछा किस घड़ी में अच्छा होने लगा, उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ये बिल्कुल उसी घड़ी हुआ जब पास्टर जी ने प्रे किया और हमने उसी प्रति विश्वास किया। और संडे के बाद मंडे ट्यूजडे गणेश जी को रिजल्ट आता है कि बेटी पास हो गई। बहुत धन्यवाद पास्टर जी का, बड़े विश्वास के साथ हम प्रेयर करते हैं हमारी कलीसिया के लिए, और आप लोग भी विश्वास में आगे बढ़े जैसे मैं विश्वास में बढ़ना चाहता हूँ। आप हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। जय मसीह।